हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव सुवाच है और मैं जो हूँ अनअकैडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और मैं फिलहाल BSNL में जॉब करता हूँ एज ए डिप्टी मैनेजर इन वलसाड डिस्ट्रिक्ट। और मैं एमटेक भी कर रहा हूँ 83G से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। आप जो है हमारे फेसबुक पेज और जो हमारा यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी इंजीनियरिंग करिकुलम, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि जो है सब जो है कोई भी कोर्स सीख सके। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स की। इसमें जो है हम बात करेंगे अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वही एक तो बेस में कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी रिगार्डिंग बेस के, ऐसे किसी ने मेरे से डाउट पूछा था कि बेस जो है उस पर थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स बनाई जाए। और फिर सेकंड अपना आता है और जो है कन्वर्जेंट का। ओके, सो देखिए, पहली जो हमें बेस पे जो है क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है, ठीक है। जैसे अभी एक तो आपको दिया हो, बेस दिया हो और आपको पूछ लिया गया हो कि मतलब क्या सम या सब्ट्रैक्शन निकल के आएगा, ठीक है, या आपको सम या सब्ट्रैक्शन दे दिया और फिर आपको पूछ लिया कि बेस क्या है इस चीज का। अभी देखिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं। अब जो तरीका हमें फिजिबल लगेगा हम उसके थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो 2 डिजिट का ही नंबर है तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, ठीक है। दोनों जो है सेम पढ़ेंगे, सेम स्पीड लगेगी दोनों में। लेकिन अगर ये डिजिट हो जाती बड़ी, मान लो 6 डिजिट हो जाती है, मैं बोल देता 1 2 3 4 बेस आर प्लस 1 2 3 4 बेस आर इज़क्वल टू समथिंग आर। ओके, सो वहां पे जो है हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट्स थी वो ज्यादा हो जाएंगी तो एक प्रॉब्लम होगी प्रेजेंट जो अभी मेथड देखेंगे उसमें। अगर नंबर ऑफ बिट्स 2 हैं या 3 हैं, 3 तक हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 3 से जैसे ही ज्यादा हुई वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए इस मेथड में हम करेंगे क्या, सपोज आपके पास है 24, ठीक है। सो 24 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं या डेसिमल में कन्वर्ट करें, क्या प्रोसेस होता है वहां पे, जो हमारा ये वाला बिट है पहली जो डिजिट है उसको जो है मल्टीप्लाई करना है बेस रेस्ट पावर 0 से। सो 4 × r^0 बेस, अब चाहे कुछ भी हो उसकी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा यानी बचेगा 4। ऐसे जो अगली जो डिजिट आएगी उसमें आएगा 2 × r^1 यानी 2r, ठीक है। ऐसे ही इसका आएगा 4 × r^0 4 और 1 × r^1 r, ठीक है। अभी देखिए अगर ये डिजिट हो जाती 3 तो अगला नंबर क्या आता है, सपोज 1 होता के तो आता 1 × r^2, यहां भी कुछ आता यहां भी कुछ आता, ठीक है। अगर और डिजिट बढ़ जाती, 4 डिजिट होती तो r³ और 5 हो जाती तो r^4। सो मतलब देखिए जैसे जैसे ये पॉलिनोमियल की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे हमें प्रॉब्लम होगी पॉलिनोमियल को सोल्व करने में। सो ये मेथड जो है बेस्ट है कब तक, जब तक 2 r^2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक है तब तक ये बेस्ट है। अभी ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, अब इस इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। 2r + r 3r, 4 + 4 8 और इस यहाँ पे बना 4r + 1। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो r आएगा हमारे पास 7, यानी कि बेस है 7। ये तो था एक मेथड, डिफरेंट मेथड, इजी अप्रोच है, वैसे तो मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है इसमें। सेकंड मेथड जो मैंने बताया था कि इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि 24 + 14 इसको टू 41 है हमारे पास। ओके, सो 4 + 4 आया 8, 8 - 1 जो ये नीचे नंबर लिखा है उसको माइनस कर लीजिए बस, सिंपल सिंपल, ठीक है। उसको भी माइनस कब करना है ये भी सोचने वाली बात है, यू नहीं है कि इसको माइनस कर देना है। अभी हम उसको माइनस कर रहे हैं क्योंकि 8 - 1, क्योंकि वो जो है 8 से छोटा है, अगर वो 8 से नंबर बड़ा होता तो हम उसको माइनस नहीं करते, ठीक है। सो अभी 8 - 1 किया तो आया 7, यानी कि बेस उसका जरूर से जरूर 7 ही होगा, पक्का 7 होगा। तभी हम जब कैरी हमारी जाती थी, कैरी जाएगी तभी तो यहाँ 4 आएगा ना, 2 + 1 + 1 4,
तो इसका बेस जरूर 7 ही रहा होगा, यानी कि 8 माइनस 7 1, तभी यहाँ पे 1 आएगा। ओके सो ये भी एक तरीका है बेस निकालने का, या ये भी एक जो है बड़ा तरीका है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है, ठीक है, बेस निकालने का। अब सेकंड देखिए, सेकंड कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि सपोज आपको एक बहुत बड़ा नंबर दिया, बहुत बड़ा, डराने के लिए बहुत बड़ा नंबर देते हैं क्वेश्चंस में, आपको बहुत बड़ा नंबर दिया बेस 10 के साथ, और अब आपको बोल दिया कि अगर आपका आप इसका BCD रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस नंबर का तो कितनी बाइट्स यूज होंगी, क्योंकि इवेंचुअली ये जो जितना भी जो कन्वर्जन है वो जाके कंप्यूटर में यूज होने वाला है, और कंप्यूटर में जो है मेमोरी चाहिए हमें, मेमोरी किस में, बाइट्स में, ठीक है। सो अभी आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया और डराने के लिए पूछ लिया कि नंबर ऑफ बाइट्स कितनी होंगी BCD रिप्रेजेंटेशन में। अब देखिए, अब हमें पता है कि हर एक जो डिजिट है उसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम BCD में करेंगे तो वो 4 बिट लेगा, 4 बिट होती है BCD रिप्रेजेंटेशन में हर एक डिजिट की, ठीक है। अब टोटल डिजिट कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, इन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 7, सो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी, 28। और अब हमें पता है कि 1 बाइट में 8 बिट होती हैं, तो 28 बिट में कितनी होंगी, मैक्सिमम 4 बाइट्स, यानी कि 4 बाइट में हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ 4 बाइट्स यूज होंगी इतने बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए BCD में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन का, ठीक है, ये कन्वर्जन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल BCD कन्वर्जन आता है, हेक्साडेसिमल बिल्कुल इजी है। अगर आपको ये नहीं आता है ये कन्वर्जन, तो आप जो है मेरे प्रीवियस लेसन्स को भी एक बार रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। देखिए, जो हेक्साडेसिमल में जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से F तक, यानी 0 से 15 तक, ठीक है, 4 बिट का। अभी जैसे 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, कोड वही हमारा 8421, सो 9 को रिप्रेजेंट करना है तो 8+1, यानी कि फर्स्ट और लास्ट बिट, ठीक है। ऐसे ही ए कितना होगा, 10, 9 के बाद आता है ए, 10 को रिप्रेजेंट करना है तो 8+2 यानी 1 1, ठीक है। F यानी 15, 15 को रिप्रेजेंट करना है तो 8+4+2+1 15, 2 को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ 2, 8 4 और 1 वाली 0, ठीक है। अब ये सारे हमने लिख लिए, बस अब इनको जो है इनसे रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो हमारा जो कन्वर्ट हो गया आएगा वो होएगा डेसिमल में। तो ये हेक्साडेसिमल से जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, ओके, क्योंकि डायरेक्ट जो है हम रिप्लेस कर देते हैं इस नंबर को, ठीक है, इन बिट्स से रिप्लेस कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारा जो है कन्वर्जन होके आ जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि इसको पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, वो फिजूल में जो है एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ओके। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं ताकि जैसे ही अगला लेसन आए आपको इजीली पता चल सके, और मेरे कोर्सेज को रेट रिव्यू एंड रिकमेंड करना ना भूलें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले लेसन में, धन्यवाद।